हेलो दोस्तों, तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए बना रहा हूँ जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जैसे कि केबल टीवी पर आजकल कई तरह के शॉपिंग चैनल आ रहे हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं तमाम चीज़ें, और वो चीज़ें आपको घर तक डिलीवर की भी जाती हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, अगर आप किसी चैनल से शॉपिंग करते हैं तो वो डेटा आपका लीक हो रहा है और उस डेटे का यूज़ कर रहे हैं फ्रॉड करने के लिए। जैसे कि आपके साथ भी शायद हुआ हो कि आपका कॉल आई हो या मैसेज आया हो कि फ़लाँ कंपनी में आपने शॉपिंग की थी, तो उस टाइम एक लकी ड्रॉ चल रहा था जिसमें आपका नाम सिलेक्ट हुआ और आपको महिंद्रा की एक्सयूवी या महिंद्रा बोलेरो, ऐसी तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें से किसी भी गाड़ी का नाम बता के कहा जाता है कि वो आपने यहाँ पर जीती है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको मैं अकाउंट नंबर एक दिया जाता है जिसमें आपको जो गाड़ी का प्राइस होता है उसमें से उसका 4% डिपॉजिट करना होता है उस अकाउंट में। देन वो कहते हैं कि आप जैसे उसको डिपॉजिट करेंगे वो पैसा अकाउंट में उनके नंबर पे, तो जो आपका प्राइस है, जो आपकी गाड़ी है, वो आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी, यानी कि आपके घर तक भेज दी जाएगी। तो इसमें जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इसमें इन चीज़ों में फ्रॉड में स्कैम में नहीं पड़ते हैं, बट हाँ जो गाँव देहात के लोग होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड अवेयर नहीं होते हैं इन चीज़ों से, वो कई मरतबा इन फ्रॉड इन स्कैम में फंस जाते हैं और वो अपना पैसा कुछ पैसा वो उन अकाउंट में डलवा भी देते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान होता है और बाद में इन दायन उनको पता चलता है कि वो उनके साथ ठगी हो गई है। तो आज मैं ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास भी कभी कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, बट बीच में कुछ सन्नाटा हो गया था। बट आज मॉर्निंग में हमारे यहाँ पोस्टमैन आया, वो एक लिफाफा हम लोग को दे गया जो कि स्पीड पोस्ट से आया था हमारे जहाँ से हमने शॉपिंग की थी लास्ट टाइम नापतौल चैनल से, जो कि आपने भी देखा होगा टीवी पर आता है, केबल पर आता है। तो उसमें उसका यहाँ पे नेम मेंशन था, हमारे घर का एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा नाम मेंशन था, और जैसे ही हमने उसको खोला तो उसमें हमको एक स्क्रैच कार्ड मिला, स्क्रैच एंड विन का, और साथ में एक लेटर था। तो उसमें तीन प्राइज दिए गए थे, पहला था आपका XUV 500, सेकेंड में आई थिंक बुलेट थी, और थर्ड नंबर पर स्विफ्ट गाड़ी थी। तो उनमें से एक चीज़ आप जीत सकते हैं, आपको के उनमें लेटर में लिखा था कि आपको अपने KYC करना होगा और साथ ही साथ प्राइज मनी है उसका 4% आपको उनको देना होगा, यानी कि 1% आपको पहले यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, बाकी जब आपका प्राइस आपको मिल जाएगा तब आपको 3 जो बाकी का 3% होगा वो आपको उन अकाउंट नंबर में डिपॉजिट करना होगा। तो हमने भी सोचा, हमको तो मालूम था ये फ्रॉड है, तो हमने तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल की naptol.com पे, और क्या बातचीत हुई मैं इस वीडियो में आपको सुना रहा हूँ, तो सुनिए क्या बात हुई और कैसे आप बच सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नापतौल का प्रोडक्ट, ऑर्डर बुक कराने के लिए एरिया का पिन कोड बता दीजिए। हेलो मैम, मैम एक्चुअली प्रोडक्ट तो मैं बुक नहीं कराना, बट एक क्वेरी थी मेरी, तो आप। हाँ जी सर। जी जी, एक्चुअली मैम सुबह आज हम लोग को एक लेटर मिला है स्पीड पोस्ट से नापतौल की तरफ से, तो जी। उसको हमने जैसे ओपन किया तो उसमें कुछ स्क्रैच एंड विन का कूपन रखा था, तो वही कन्फर्म करना था कि इस टाइम कोई आप लकी ड्रॉ रन कर रहे हैं क्या सर? आपको अपना ऑर्डर नंबर पता है जो आपने लास्ट ऑर्डर किया? बट नापतौल से हमने शॉपिंग की थी, तो एक्चुअली यही कंफर्म करना था, क्योंकि जो हम लोग को ये मिला, आपका लेटर मिला, ये आपका नापतौल शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड स्वास्तिक बिल्डिंग VIP रोड कोलकाता का है, और पिन कोड जो पड़ा है यहाँ पड़ा है 700059, और इसके अंदर आपको एक लेटर भी मिल रहा है इसमें, तो इसमें कुछ प्राइस मेंशन है, जैसे XUV 500 है, बुलेट है, स्विफ्ट है, तो ये कंफर्म करना था कि यहाँ पे ऐसा कोई आप लोग रन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कि फ्रॉड है ये। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी ये और जो जितने भी चीजें सर ये फ्रॉड है, फेक है, तो आप इनको इग्नोर कीजिए और ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं मैम, हम लोग को पता है कि फ्रॉड है, इसीलिए उन्होंने इस नंबर पे जो नंबर उन्होंने दिया है लेटर में उस पर कॉल नहीं की है, हमने डायरेक्ट आपको कॉल की है, क्योंकि इससे पहले भी मैसेज थ्रू कॉल के थ्रू ऐसी चीजें हो चुकी हैं, तो इसीलिए जी इग्नोर कीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए और अपने कोई भी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करना, ना बैंक डिटेल्स शेयर करना। ओके सर? नो, ऐसा कुछ शेयर हम नहीं करते हैं, बट ये जानना चाहेंगे जो मतलब जो एड्रेस पूरा उन्होंने अपना दिया है, कलकत्ता ऑफिस का भी दिया है, मुंबई ऑफिस का दिया है, तो इस पर कोई एक्शन कहीं नहीं होता मैम। ओके सर। जी जी, तो एक्शन क्यों होता है जानना चाह रहे थे सर? सर एक्शन तो हो रहा है सर, हमारे जो टीम है वो कर रही है इसके लिए सर। नहीं मैम, याद कर नहीं मैम, ये काफी टाइम से है, क्योंकि पहले कॉल के जरिए होता था, फिर मैसेज के थ्रू होने लगा, अब बकायदा लेटर आ रहे हैं हम लोग के एड्रेस पे, तो ये डेटा कहाँ से लीक होता है ये जानना चाह रहे थे। सर
सर आपको तो पता है हैकिंग स्किल्स अब नॉर्मल स्किल हो गई है, तो हैक करके सर है कैसे थोड़ा होता है कि आप इतनी बड़ी कंपनी है तो आपने कुछ सिक्योरिटी रखी नहीं है कि आपका डेटा हैक हो जाए, कस्टमर की डिटेल हैक हो जाए, एड्रेस तक हैक हो रहा है। बताइए स्पीड पोस्ट से हम लोग का लेटर आया एड्रेस पे विद नेम, पूरी डिटेल है, नेम है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, पूरा दिया है जी। तो कैसे को पता कर लेता है सर? यहाँ पर सर हैकिंग का तो ये सीन है, ये होता है सर कि अमिताभ बच्चन जी का भी अकाउंट हैक हो गया था सर, वो तो इतने बड़े, उनकी उनकी प्राइवेसी प्राइवेट होता है। नो, वो सुनिए, वो सोशल, सुनिए सुनिए सुनिए, वो सोशल मीडिया की बात थी, ट्विटर उनका हैक हुआ था, सोशल मीडिया पे था, ये हम लोग का डिटेल तो सोशल मीडिया पे नहीं, वो तो आपके डेटा में है, तो आपके डेटा कैसा हैक हो जाता है? वो तो पर्सनल चीजों, पर्सनल ये तो पर्सनल चीज होगी, वो तो उनका उनका तो 24 आवर्स रहता है ऑनलाइन, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट तो हैक हो सकते हैं, बट जो डिटेल आपके पास रहती है वो तो हम लोग ऑनलाइन रहती नहीं, डिटेल डिटेल तो आपके पास रहती है डेटा में, और सिक्योरिटी भी आप लोग लगाते हैं इसमें। सर माफी चाहूंगी, ऐसे डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि आपका डेटा। अरे आप डिटेल शेयर नहीं करते थे, हम लोग डिटेल तो शेयर हो रही है इधर उधर जी सर। वो बताइए आप, हाँ जी आप ये बताइए कि डेटा कैसे लीक होता है हम लोग का? सर हैक हो जाता है और बाकी डिटेल्स हमारी जो टीम है वो कर रही है सर, इन्वेस्टिगेशन हमारी जो भी टीम है वो आपकी कर रही है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको जो भी। अरे मैम ये आज क्या नहीं है, हमेशा चला आ रहा है, पहले तो कॉल मैसेज आ रही है, एड्रेस पे लेटर तक आ रहे हैं, तो इम्प्रूव नहीं हो रहा और वर्स होता जा रहा है। आई अंडरस्टैंड सर, आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो भी बोल रहे हैं मैं समझ रही हूँ, और सर इसके पीछे हमारी टीम है वो कर रही है सर, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो कम्प्लेन हम कैसे करें? सर कम्प्लेन आपकी लिख ली है मैंने सर। क्या लिखा आपने सर? कि ये फ्रॉड कॉल्स आ रही है आपके नंबर पे। कॉल नहीं आ रही, लेटर के लिए मैंने आपको कॉल की, कॉल के लिए मैंने कॉल नहीं की, वो तो नॉर्मल थिंग हो गई अब तो। सर पूरा ऑप्शन है ना, फ्रॉड कॉल, फ्रॉड लेटर और फ्रॉड वाउचर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये बताइए जब खुल्लम खुल्ला मतलब ऐसा हो रहा है, ओपनली हो रहा है कि लोग कॉल करते हैं तो बात अलग है, अब लेटर भी आ रहे हैं, उनका एड्रेस मेंशन है, तो तब भी कहा कोई एक्शन कहा नहीं लिया जाता है? सर एक्शन, सर आपको सर एक्शन लिया तो जा रहा है ना सर? अरे कहाँ लिया गया होता तो लेटर ना आते करते। आप कहिए तो आप मैं आपके जो ईमेल होता है हेल्पलाइन वाला मिला, हेल्प वाला ईमेल होता है, उसमें मैं आपको पिक्स सेंड कर दूंगा कि कैसे लेटर आया, क्या कूपन आया है। ठीक है सर, आप ईमेल पे सेंड कर देना। ठीक है सर, और ऐसी चीजों से बचिए। नहीं वो तो हम बच्चे इसलिए आपको कॉल की थी, अगर फंसना होता हम लोग कॉल डायरेक्ट उस पर करते, इतने एजुकेटेड हम लोग हैं। ये बताइए कुछ सीनियर सीनियर नहीं होंगे, उनसे बात कराती हैं आप? सर हम बात ही कर रहे हैं आपकी, जो आपकी आपने जिस चीज पे कॉल किया है ना सर, हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अच्छा बताइए इसका हम लोग को मतलब कैसे पता चले कि हम लोग की कंप्लेन आगे पहुंची या कुछ नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी? सर वो तो नोटिफिकेशन हमारे पास रहती रहेगी, आप बता देना, अब नेक्स्ट टाइम से अगर आपके पास कोई आता नहीं है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि हाँ उस पर वर्क हो रहा है, सॉल्व की जा रही है प्रॉब्लम या क्या? सर आपकी कोई हानि थोड़ी हुई है सर, आपके पास वो ही तो आया, आपने बोला कि अरे भाई आप सब इतने दिमाग वाले नहीं होते हैं कि वो आपको पहले कॉल करेंगे, वो नंबर पे कॉल करेंगे, 1 रुपए की चीज होती है तब भी आदमी वो फंस जाता है उसमें, और यहाँ तो फिर गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये बताइए जी, तो कैसे मतलब क्या एक्शन लिया जा रहा है? सर एक्शन लिया जा रहा है सर, सब एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा आप निश्चित रहिए। आपका नाम क्या? सर नापतोल। नहीं नहीं आपका नाम? सर मैं नापतोल से बात करूँ तो नापतोल ये नाम। नहीं आप अपना नाम बताइए ताकि मुझे याद है, अगर मैं कॉल दोबारा करूँ तो बता सकूँ उनके पास कंप्लेन मैंने कराई थी। आप कहाँ से? दिल्ली से बात करें, नोएडा से? माफी चाहूंगी ये जानकारी नहीं दे सकते। अरे सर अब हम वहाँ के शॉपिंग कर रहे हैं तो आपसे जान नहीं सकते कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। सर माफी चाहूंगी ना सर, ऐसी जानकारी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा आप हमको ये नहीं बता सकते आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और हम लोग का डेटा सब लीक हो रहा है एड्रेस तक, वो नॉर्मल थिंग है आपके लिए, और आप अपना निकला समझने की कोशिश कीजिए ना सर। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ऐसी जानकारी नहीं दे सकती, नाम भी मैंने आपको आप बता हमको दिया। जानकारी ये नहीं दे सकती कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, हम लोग का एड्रेस मोबाइल नंबर हर चीज आपके अंदर लीक हो रही है। सर लीक कहाँ हो रही है सर? आपने ऑर्डर कराया हमारे हाँ, पास तो आप तभी तो वो आया है सर, हैक हो जाता है चीजें, आप समझने की कोशिश कीजिए सर, हैक नहीं होता। इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी होता है, इतनी बड़ी कंपनी ना चलती,
अगर आप लोग हैंडल नहीं कर पाए तो कंपनी अपनी क्लोज कर दी है। सर ऐसा कोई भी बात नहीं है सर, समझने की कोशिश कीजिए, माफी चाहूंगी जो भी आपको असुविधा हुई। मैं आपको बता तो रही हूँ सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, आप अरे ये होता है, होता रहेगा, ये आप लोग एक्शन ही नहीं लेते कोई। जी सर चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे से बात करता हूँ। सर मैं आपको कॉल करने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।